मेरे दोस्त राउंड टू हिल की एक छोटी सी गलती है आज YouTube चैनल डिलीट करने के कगार पे है। आप सभी लोग इनके बारे में जानते हो, आप सभी लोग ये न्यूज भी जानते हो कि इन्होंने क्या गलती किया है। राधा जी का नाम इन्होंने असभ्य तरीके से यूज किया, जिस वजह से आज इनका YouTube चैनल बर्बाद होने के कगार पे है। राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा तो छिनाला कर रही है। आज इनका कैरियर डूबने के कगार पे है और ये जेल भी है। धाराएं जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो IPC में सेक्शंस हैं उन्हीं के तहत ही अभियोग पंजीकृत हुआ है। वैसे आप एक यूट्यूबर हो मैं जानता हूं, आप लोग भी व्यूज के लिए कुछ भी बनाते हो, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इनको इनके ऊपर कौन सी धारा लगेगी और कौन सी धारा के अनुसार इन्हें कितने वर्ष की सजा होगी, कितने साल की इनके सजा होगी वसीम भाई को, और इन्होंने जो गलती किया है वो गलती किस धारा में जाता है। आप भी बहुत लोग व्यूज के लिए किसी को उठपटांग बोलने लगते हो, रोस्टिंग का नाम दे देते हैं कुछ लोग, रोस्टिंग के नाम पर कुछ उठपटांग बोलने लगते हो अपनी भाई, हंसी मजाक अपनी जगह है, कुछ लोगों की मैंने वीडियो देखा एकदम पर्सनल सुनने निकालने लगते हैं, उसके माँ बाप पे चढ़ जाते हैं, उसके पर्सनल लाइफ में चढ़ जाते हैं रोस्टिंग के नाम पर। आप भी व्यूज के लिए अगर ऐसा करते हो और किसी भी धार्मिक से रिलेटेड आप लोग वीडियो बनाते हो या फिर कोई भी ऐसी टिप्पणी करते हो तो इस वीडियो को ध्यान देखिएगा। आप लोग अगर एक यूट्यूबर है तब भी ध्यान से देखिएगा, नहीं तो ये धारा आपके ऊपर भी जा सकती है, आपको भी घर से उठा के लेके जाके पटक देंगे और देंगे दो लाठी, मिलेगा खूब व्यूज। देखिए वसीम भाई राउंड टू हेल के बारे में आप सभी लोग जानते हो, इन्होंने क्या किया, वीडियो बनाया, आज से वीडियो 4 साल पुरानी है। पहले लोग YouTube वीडियो का एक इंटरटेनमेंट पर्पज नज़र से देखते थे, कहाँ यार वीडियो है, देखा हटाया छोड़ दिया, लेकिन जैसे जैसे लोग जागरूक हुए हैं लोग हर एक बात का अर्थ निकालने लगे और आज 4 साल पुरानी वीडियो आज इनको सजा मिल रही है। इनकी यह वीडियो वायरल हुई, ट्रेंड किया, लोगों ने कहा भाई इन्होंने जो राधा जी का नाम है, माता राधा जी का नाम इन्होंने असभ्य तरीके से यूज़ किया, अब इनके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, ठीक है, इनके ऊपर कौन सी सजा होगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको धारा 295 और धारा 298 के बीच में जितने भी धाराएं हैं ये केवल धार्मिक से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये केवल धार्मिक से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया कि भाई आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म का आदर कर सकते हो, लेकिन किसी भी धर्म का अनादर नहीं कर सकते। आप हिंदू हो मस्जिद में जा सकते हो, आप मुस्लिम हो मंदिर में जा सकते हो, आप हिंदू होकर आप पूजा कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, आप मुस्लिम होकर भाई आप पूजा कर सकते हो, आरती कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप हिंदू होकर मुस्लिम की बुराई नहीं कर सकते, या मुस्लिम होकर हिंदू की बुराई नहीं कर सकते, या फिर हिंदू होकर हिंदुओं की बुराई नहीं कर सकते, मुस्लिम होकर मस्जिद की बुराई नहीं कर सकते। आपको किसी भी धर्म से रिलेटेड किसी भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको पूजने का अधिकार है लेकिन आपको मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। यह धारा 295 से धारा 298 के बीच में है। अब वसीम भाई ने जो मजाक किया, जो इन्होंने असभ्य तरीके से यूज किया, माता राधा जी का नाम जो इन्होंने यूज किया, भाई इनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, इनके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि राधा किसी भी लड़की का नाम हो सकती है, ठीक है। इस वीडियो में इन्होंने बताया भाई कि मैं जा रहा था तो राधा मुझे देखकर हाथ हिला रही थी। राधा छिनाला कर रही है और क्या सर, बेहिसाब लोंडे चढ़ ली गुप्ता जी के होटल पर, मैं जा रही हूं, मुझे यूं कर गई जैन, वो तो मैं शरीफ, ठीक है। इनके कहने का मतलब यह नहीं था कि माता रानी राधा ही है, इनके कहने का मतलब यह नहीं था राधा किसी लड़की का भी नाम रखा, लेकिन ये राधा शब्द लोग अटैच किए माता राधा से, ठीक है। अब जिस वजह से धारा 298 इनके ऊपर लगेगा, इनके ऊपर यह धारा 298 यह है कि इन्होंने धार्मिक से रिलेटेड टिप्पणी की, धार्मिक के खिलाफ इन्होंने बात किया, किसी के भावनाओं के साथ और किसी के धार्मिक चीज़ों के अनुसार इन्होंने टिप्पणी की, वो भी उटपटांग चीज़ें बात किया, ठीक है, लोगों के भावनाओं के साथ खेला इन्होंने, लोगों को भावनाओं को तकलीफ पहुँचाया इन्होंने, इनका इरादा नहीं था, लेकिन जो धारा 298 है ये यही कहता है। अब इनके ऊपर जो माता राधा का नाम इन्होंने यूज किया, अब धारा 298 लगेगा, अब इसकी सजा क्या है, अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो इसकी सजा क्या है, तो इसकी सजा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार धारा 298 की है कि आपको 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा आपको जेल जाना पड़ जाएगा, ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर, आपको 1 साल, 1 साल से ज़्यादा का भी आपको जेल जाना पड़ जाता है, या फिर आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा, आपने जो कमाया जुर्माना भी जाएगा, और दूसरी बात ये दोनों चीज़ हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो अब वसीम भाई को यही डिपेंड होगा, उसके बाद इनकी और जो भी धाराएं लग सकती है, क्योंकि अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, अगर यूट्यूब चैनल से हमने 4 साल पहले एक वीडियो बनाया था स्कूल लाइफ 2, जिसमें राधा जी का नाम गलत शब्दों में यूज़ किया गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में ऐसी कोई गलती हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, और जितने भी लोगों का इस बात से दिल दुखा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मेरी पूरी टीम इस
विश्वास के लिए समझ आती है, और आगे फ्यूचर में कभी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चीज़ नहीं मिलेगी। धन्यवाद। चाहे तो और धारा अभी इनके ऊपर लग सकती है, अभी इन्होंने और मिस्टेक जो किया होगा ये तो पुलिस छानबीन से पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जो धारा 298 मैंने आपको बता दिया, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलोगे अपनी वीडियो में तो भाई आपके ऊपर 298 आपको लगना ही लगना है, तो कुल व्यूज के चक्कर में गायब हो जाओगे। और बहुत से लोग रोस्टिंग के नाम पर किसी को भी मजाक उड़ा देते हैं, किसी को भी उटपटांग चीज बोलने लगते हो, याद रख लो इसके लिए भी धाराएं हैं, इसके लिए भी आपको जेल में जाना पड़ सकता है। आप जिसके बारे में टिप्पणी कर सकते हो अगर वो चाहे तो आपको उठा के पटक सकता है, चौकी पर दो लाठी धरवा सकता है। लो व्यूज खूब, आप लोग जो ये रोस्टिंग के नाम पे फलाने ढमकाने को लगते हो, उटपटांग करने ना, सुधर जाओ भाई। पहले लोग था यूट्यूब के चक्कर में, या चलो वीडियो है देखा हटाया मजाक कर दिया, अब लोग पर्सनली लेने लगे हैं, हम लोग सीरियस नहीं लेने लगे हैं क्योंकि यूट्यूब लोगों के नज़र में आ गए। यूट्यूब अभी जो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया, दुनिया का दूसरा नंबर सबसे सर्च इंजन आने लगा है, तो लोग ध्यान धरने लगे हैं, अब आपकी हर एक मजाक का पॉइंट निकालने लगे हैं। उटपटांग की वीडियो बनाना बंद कर दो, व्यूज के चक्कर में ना, व्यूज आए या ना आए पुलिस आपके घर जरूर आ जाएगी और देंगी मुंह में लाठी लाठी, तो पूरा व्यूज का नशा उतर जाएगा। तो किसी को भी आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी के फालतू चीज़ों पर बात मत कीजिए। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि यार राउंड टू हेल्थ चैनल को डिलीट कर दिया जाए, तो भाई यार देखो ऐसी कभी मत गलती मत करो, ठीक है। ये क्या है कि इन्होंने गलती माना, भाई 4 साल पुरानी वीडियो है, इन्होंने राधा किसी का भी नाम हो सकता है, और इन्होंने दिखाया भी है कि वो जो लड़का है ये बोल भी रहा था कि मैं जा रहा था वो राधा बैठी थी हाथ मिले आ रही थी, तो राधा किसी लड़की का नाम इन्होंने बताया, ठीक है। तो भाई इन्होंने गलती भी माना, और सबसे बड़ी गलती इनकी यही थी, गलती भी माना, वीडियो को भी कट कर दिया इन्होंने अपने वीडियो से, ठीक है। तो भाई इन्होंने अपनी गलती जो स्वीकार कर लिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है या यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया जाए या ऐसा कर दिया जाए, क्योंकि इस बंदे ने मेहनत से इन्होंने अपने चैनल को इतना बड़ा चैनल क्रिएट किया है, अपने दम पर चैनल को खड़ा किया है, और जो खड़ा करता है वही जानता है रात दिन की मेहनत होती है, ठीक है। ये किसी का व्यापार है, ये किसी की घर चलाने का खर्चा है, रोजी रोजगार है, ठीक है। मैं भी YouTube से कमा रहा हूँ, हर कोई YouTube से ही कमाता है ज़्यादातर जो यूट्यूबर हैं। तो भाई आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।